प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 18 करेंगे। पाठ 18 जिसका नाम है समर्थ्यवान इकबाल और जिसके लेखक हैं विमल शर्मा जी। समर्थ्यवान इकबाल, ये इकबाल नाम के एक लड़के की कहानी है जो अपने यानी मेहनत और लगन से दुखद स्थिति में भी यानी दुख भरी स्थिति में भी अपने आप को एक सुंदर राह पर ले आता है, एक सुंदर रास्ते पर ले आता है। उसकी मेहनत और लगन दोनों से वो अपने जीवन में कामयाब हो जाता है। इकबाल जो लड़का है वो एक छोटे से गांव कोलीपाड़ का रहने वाला, कोलीपाड़ गांव यानी छोटा सा गांव है और इसके पिताजी का नाम यानी इकबाल के पिताजी का नाम अनवर खान है और इसकी जो बहन है उसका नाम है खदीजा। अनवर खान अपने गांव में खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनकी कोई ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, निम्न वर्ग से यानी मेडियोकर फैमिली से ये बिलोंग करता है इकबाल। और एक और बात, जो इकबाल है उसकी सुनने की शक्ति और बोलने की शक्ति उसके पास नहीं है, यानी वो मूक है यानी गूंगा है। मूक क्या होता है? गूंगा यानी बोल नहीं सकता और बधिर है यानी वो सुन भी नहीं सकता, ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है, यानी गूंगा और बहरा है। फिर भी उसके अंदर एक जुनून है। किस चीज का जुनून है? एक जुनून यानी पागल का जुनून। क्या होता है? पागल। उसके अंदर एक पागलपन है। किसका? क्रिकेट का। वो क्रिकेट का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था लेकिन अपनी जो उसकी शारीरिक कमी है उसको उसके बीच में आने नहीं देना चाहता, यानी आड़े नहीं आने देता, उसको बीच में नहीं लाना चाहता कि मैं सुन नहीं सकता और मैं बोल नहीं सकता। वो इस चीज को कभी भी नहीं लेता लेकिन उसके अंदर एक लगन है। क्रिकेट जो है भारत देश का एक महत्वपूर्ण खेल है और इस खेल के कारण जैसे बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कहीं के शीशे तोड़ देते हैं, कहीं के कुछ टूट जाता है, एक बॉल की वजह खेलने की वजह से यानी एक बॉल की वजह से लोगों के घरों के रोशनदान के कांच टूट जाते हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। तो ये ज्यादातर लड़कों का एक प्रिय खेल माना गया है। सचिन और धोनी जैसे खिलाड़ी भी इसमें बहुत माहिर थे, यानी उन्होंने इस देश के लिए क्रिकेट मैच खेला और ख्याति प्राप्त की। और इकबाल जो लड़का है वो भी क्या करना चाहता है? क्रिकेट में नाम कमाना चाहता था लेकिन उसके पिताजी को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ये नहीं चाहते थे कि इकबाल क्रिकेट खेले लेकिन उसकी माताजी और उसकी बहन खदीजा दोनों ही इकबाल का साथ देते थे। उसके पिताजी तो चाहते थे कि वो मेरे साथ खेती बाड़ी में काम करवाए लेकिन उसकी बहन और उसकी माँ चाहती थी कि जो हमारे बेटे का सपना है वो उसको पूरा करे। यहाँ तक कि उसके पास क्रिकेट मैच खेलने वगैरह के लिए पैसे नहीं थे, बैट वगैरह नहीं था, पहनने के लिए जूते नहीं थे लेकिन उसकी माँ और उसकी बहन खदीजा दोनों ने ही उसको कहीं से पैसों का अरेंजमेंट करके उसे जूते दिलवाए। उसके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, इतनी उनकी बुरी कंडीशन थी लेकिन वो चाहता था कि मैं क्रिकेट का मैच खेलूं। और इसका साथ कौन देते थे? उसकी माँ और उसकी बहन दोनों ही चाहते थे कि हमारा भाई यानी मेरा बेटा बहुत उन्नति करे क्योंकि इस खेल को खेलने के लिए हमें दिमाग की जरूरत होती है, सुनने और बोलने की जरूरत नहीं होती। हम इशारों से यानी संकेत के द्वारा भी इस खेल को खेला जा सकता है। क्रिकेट के मैच को सांकेतिक द्वारा भी यानी संकेत द्वारा भी खेला जा सकता है। तो इकबाल के अंदर जो जुनून था, जो पागलपन था, वो
उसे एडमिशन करवाया, यानी उसको एक प्रशिक्षक की जरूरत थी, वो चाहती थी देने वाले एक कोच की जरूरत थी। जब इसने एडमिशन करवाया तो वहां पर राजनीति आजकल सब तरफ चलती है, तो राजनीति जो थी उसके आड़े आ गई। वहां पर एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक लड़का, यानी काफी रिच फैमिली से था, वो उसके सारे दोस्त थे वहां पर, और वो इसकी कामयाबी को देख नहीं पा रहे थे, और कुछ ही दिनों में इसको उस वहां से यानी बाहर कर दिया गया। और ये जब घर पर आया तो बहुत उदास था, और इसकी बहन उस चीज को नहीं देख पाई। और आप जानते हो कि एशियन कप पिछले साल नवंबर में खेला गया, जिसमें मूक और बधिर सारे के सारे खिलाड़ी बने थे। कब खेला गया था? पिछले साल नवंबर में एशियन कप खेला गया था, और वहां पर मूक और बधिर ही थे सारे स्टूडेंट, जो जितने भी वहां पर खिलाड़ी थे वो सारे के सारे कौन थे? गूंगे और बहरे। आजकल ये जो खेल है हमारे शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, और आजकल के स्कूल्स में भी खेला जाता है, यानी खेलों का भी एक पीरियड होता है, जिससे बच्चे का सामाजिक विकास भी हो, शारीरिक विकास भी हो, और मानसिक संतुलन भी सही बना रहे। तो इकबाल जो था वो चाहता था, वो संघर्ष करने लगा, यानी उसकी जो रास्ते में बाधाएं भी बहुत आ रही थी, लेकिन जो उसका जुनून था, जो पागलपन था, वो क्रिकेट को लेकर इतना बढ़ चुका था कि उसका घर का किसी काम में भी ध्यान नहीं रहता था। उसके पिता उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते थे, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। तो उसे चित्र देखने का भी बहुत शौक था खिलाड़ियों के। ऐसे ही वो बैठा हुआ एक दिन चित्र देख रहा था, तो उसने एक चित्र ऐसा देखा, जानते हो किसका? वो था मोहित का चित्र, जो अपने समय में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था। आज के समय में वो एक नशेड़ी, यानी नशे की वस्तुएं लेने का आदि हो चुका था, यानी शराब पीने लगा था, यानी उसके अंदर पूरी आदतें बहुत ज्यादा आ गई थी। जब मोहित का चित्र इकबाल ने देखा तो उसके अंदर और भी लालसा हो गई, इच्छा हो गई किसको करने की? क्रिकेट का मैच खेलने की। वो उसके अंदर एक हौसला आया, हिम्मत आई, किसको देखकर? मोहित को देखकर। मोहित को देखकर उसकी हिम्मत बढ़ी कि मैं इसको अपना टीचर बनाऊंगा, इसको अध्यापक बनाऊंगा, इससे मैं सब कुछ सीखूंगा। जैसे ही वो मोहित से मिलने गया, मोहित का वो सबसे पहले उसके आड़े जो थे, जो बाधाएं आ रही थी, वो उसका नशा था, यानी वो मोहित का पहले नशा छुड़वाना चाहता था। उसके बाद वो चाहता था कि जो उसकी ये जो सबसे बड़ी उसके लिए एक अड़चन बन चुकी थी, एक बहुत बड़ी बाधा पड़ चुकी थी। बाधाएं क्या होता है? अड़चन, हिम्मत, उसके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो अड़चने आ रही थी वो उसको दूर करना चाहता था। और उसने वो काम किया, मोहित से उसने बात की, मोहित के को का नशा छुड़वाने के लिए भी उसने बहुत कार्य किया, और अंत में वो अपने हौसले से, अपने हिम्मत से मोहित से शिक्षा लेने लगा, और उसने इसके लिए खेला।